आज ये हम लोग विजय संकल्प दिवस मना रहे हैं। इसमें हमारे राजगुरु जी और ये आपके सुखदेव जी लोगों का पूरा बलिदान दिवस रहा है, तो इसको हम विजय संकल्प दिवस मना रहे हैं। और इसमें आज हम लोगों के बीच में जो हमारे डाइस पे हमारे मुख्य अतिथि माननीय गेल गुप्ता जी जो पूर्व डीजी भी है, वो उनका मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे रात में एक फोन मैंने करा और वो देखिए आप लोग समझ आ गए। हमने कहा देखिए बच्चे हैं वहाँ पे, आपको सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, आप उनको कुछ कुछ दे सकते हैं। और हम लोग बीच में जो हमारे विशेष अतिथि हैं माननीय कुलदीप पति त्रिपाठी जी, जो इस समय अपर महाअधिवक्ता है उच्च न्यायालय में, आपसे भी मैंने फोन पे बात हुई, उन्होंने कह रहे हम बिल्कुल आएंगे, कि हम चाहते हैं कि बच्चों को हम कुछ मोटिवेशन अपनी तरफ से देते हैं, इसलिए बुलाया गया। और हमारे बीच में अमिताभ सेठ जी बैठे हैं, तब बहुत अच्छे उन्होंने बहुत सी जानकारी दी, और हमारे बीच में रितेश जी सभी ने जानकारी दी है। मैं ये कहना चाहूँगी और हमारे बीच में जो बच्चे आ जाए स्टूडेंट्स हैं आप लोग है ना, आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आपका हमारे बीच में जो महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं की संख्या कम है, लड़कियाँ बहुत बैठी है, इसलिए कम नहीं कही जाएंगी, कोई सोचे कि महिलाएं कम है, तो आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ। मीडिया के बंदे और जो हमारे अलग अलग संगठन से आए, विजय गुलाटी जी बैठे हैं, बैठे रवीन जी बैठे हैं, और अभी जो बहुत अच्छी हमारे वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके अजीत शुक्ला जी हैं, बाकी साथ में हमारे सामने बैठी है वर्षा जी बैठी है, कल्पना जी बैठी है, प्रीता जी बैठी है, सभी लोगों का स्वागत मैं करती हूँ। मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी, मैं खुद समय एक महिला हूँ और मैं खुद एक उद्यमी भी हूँ। मैंने थोड़ा सा इसलिए बताना चाहूंगी, मैंने अपना व्यवसाय जब शुरू किया था, मेरे बच्चे 2.5 साल के थे, मैंने उस समय अपना व्यवसाय मैनथॉल का शुरू किया था, क्योंकि मैनथॉल के क्षेत्र में टोटल मेल ओरिएंटेड बिजनेस है, उसको महिलाएं नहीं करती हैं, तो मैंने एक चैलेंज समझ के किया था। मैंने कहा कि मुझे मैनथॉल का बिजनेस करना है, तो मेरे कई रिश्तेदारों ने भी कहा कि मेरे हस्बैंड से कहा कि मैनथॉल का बिजनेस करेंगे सारा पैसा डूब जाएगा, ये होगा। मैंने कहा देखिए मैंने ठान लिया है मुझे महिलाओं वाले काम नहीं करने, मुझे दिखाना है कि महिला कुछ कर सकती है। तो मैंने उस व्यवसाय पर 2 साल के बच्चे थे 3 साल के बच्चे, जय हिंद जय भारत।
धन्यवाद आदरणीय रीता मित्तल जी, महिला सशक्तिकरण को जिस तरीके से अपने आपने आगे बढ़ाया, उन्होंने एक प्रायोगिक